अच्छे से पढ़ के आना, जो टूट गया है वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, मैं फिर से पूछूंगा, ठीक है? चलो एक बार फिर से सभी का स्वागत है थेरेपेटिक योगा के इस थर्ड लेक्चर में। आज हमारा थर्ड लेक्चर है, हम लोग देख रहे थे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें हमने कल देखा साइनोसाइटिस और दूसरा क्या देखा हमने, एलर्जिक राइनाइटिस। आज हम देखेंगे अस्थमा और क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस। सब लोगों को बता देना स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है क्या? अभी तो नहीं हो रहा भैया। नहीं हो रही है? कल के लेक्चर में किसी को कोई समस्या तो नहीं आई? हो गई। ऐसा कुछ हो जो नहीं समझ में आया हो कल के लेक्चर में? क्लियर है सर जी। क्या कह रहे हैं सर? ये करवा दो जो अभी आपने स्लाइड प्रेजेंट किया है, ये एक बार ये समझा दो। और ये नहीं समझ में आया जी सर? कौन सा? ये आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस सजेस्ट, ये? यस सर। ये देखो जनरली ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये आयुर्वेदिक मैनेजमेंट है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है कि निदान परिवर्जा ये देते हैं, जो आयुर्वेदिक जो होंगे ना, आयुर्वेदिक आपको पढ़ा होगा, वहां पे चीजें बताई गई होंगी, निदान, फिर शोधन, डिटॉक्सिफिकेशन। शोधन में वो सारी चीजें आ जाती है, वस्ति, कर्म, ठीक है, वमन, वो सारी चीजें आती है शोधन के, जो आप नॉर्मल योगा में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे शोधन में क्या होता है, जो हम कोई औषधि का प्रयोग करके करते हैं, समन हो गया, स्पेसिफिकेशन कहते हैं समन क्रिया, किस रसायन, रसायन में रस जो हमारे ये रस होते हैं ना, सड रस, उसके माध्यम से ये ट्रीटमेंट करते हैं सड रस को। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस मैंने एडिशनल ऐड कर दिया था कि थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको आयुर्वेद का भी होना चाहिए कि आयुर्वेद में क्या करते हैं, आहार विहार का ध्यान रखना होता है। आयुर्वेद में रसायन ना क्या होता है, रसायन बता दीजिए कोई यहाँ पे जो आयुर्वेद होंगे जानकार। बहुत सारी मेडिसिन आती है ना, कुछ अवलेह वगैरह भी आते हैं रसायन में ना। हाँ वो सही कह रहे हैं, सही कह सर। मेरा आयुर्वेदिक स्टोर है ना, मेरा आयुर्वेदिक स्टोर है। तो ये आप ये बस नॉर्मल चीजें, ये आप चार पॉइंट्स याद रखना, वैसे एग्जाम में ये चीजें नहीं पूछी जाएगी, आपको यौगिक ट्रीटमेंट ही पूछा जाएगा, ठीक है? और मैंने कल भी पूछा, बोला था कि कौन सा डिजीज कौन सा डिसऑर्डर है। अब जैसे पूछ देगा कि क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस कौन सा डिसऑर्डर है, ऑप्शन दे देगा, ठीक है, कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, तो कौन सा हो जाएगा? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस। उसका जो एलर्जिक राइनाइटिस का दूसरा नाम जो है ना, हे फीवर, वो याद रखिएगा, कई बार घुमा के पूछ सकता है वो। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए सर। ये सारी ये जो ये क्लास है, ये टोटल इंग्लिश में होगी? क्या क्या कह रहे हैं? ये क्लास इंग्लिश में ही होगी टोटल? इसका हिंदी में बहुत टफ है, आप देख लो ना, एनाटॉमी भी आप पढ़ते होंगे तो बहुत सारा टर्म इंग्लिश में ही पढ़ा। वैसे ये है, मैं आपको तो हिंदी में समझा ही रहा हूँ ना, भले स्लाइड्स इंग्लिश में है बट आपको तो मैं हिंदी में समझा ही रहा हूँ क्या होता है। आप सबके प्रॉपर हिंदी ट्रांसलेट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, फिर भी आप लास्ट में, जिनको भी दिक्कत आता है लास्ट तक बने रहो। मैं लास्ट में भी दो लोगों को समझ नहीं आया था कल, तो मैंने समझाया था जो चीजें नहीं समझ में आती है, इसलिए नहीं समझ में आ रही, क्योंकि
वो एकदम से नए नाम सुने हैं ना, और बहुत पूछ लेना ना, आप पूछ लिया करना कि सर इसका मतलब क्या है, क्या है। ठीक है, ठीक है आप सर, एक गूगल बार सर्च कर उसकी फिर सकते से हो, गूगल वीडियो पे भी देख देखनी सकते पड़ेगी, हो। पीछे क्या की कह रहे आपकी, हैं? पीछे की फिर से वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे को वही नहीं समझ में आया। कुछ कुछ चीजें तो पता है, कुछ चीजों में बहुत दिक्कत हो रही है। आप पूछ लीजिएगा ना, मैं कह रहा हूं ना। नाम कौन बात कर रहे हैं, कौन है? संगीता जी। संगीता जी सर, अरे आप पूछ लेना, मैसेज कर देना कि सर इसका मतलब ठीक क्या है। मैं सबके लिए, मेरा नंबर सबके पास होगा। आप सर, आप जब पढ़ते हो कोई दिक्कत आती है पढ़ने में, मैंने हर प्रदीप का भी पढ़ाई वही चीजें कहा आप कि कुछ भी पढ़ते हो नहीं समझ में आता है मेरा टॉपिक, तो आप मुझे टेक्स्ट कर दो कि सर इसका मतलब क्या, हम पढ़ रहे हैं जी, नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं फ्री रहूंगा तो आप इमीडिएट मैसेज कर दूंगा या फिर कॉल करके बता दूंगा कि इसका मतलब ऐसा। ओके ओके, सर, हाँ थैंक यू सर। इतना तो हम कर ही सकते हैं। बाकी तो देखो, समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। आज हम पढ़ेंगे क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस। इसको पहले समझने का प्रयास करो कि होता क्या क्रॉनिक। देखो, एक तो क्रॉनिक का एक तो मतलब ये होता है कि बहुत पुराना, क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, और यहाँ पे क्रॉनिक का मतलब प्रोडक्टिव कफ, कफ जो खांसी होती है ना उससे भी है। यहाँ ब्रॉन्च, ब्रॉन्चियल ट्यूब्स। आपको मैं पहले एक इमेज दिखाता हूँ। शायद उसे समझ में आ जाएगा। हाँ ये देखो, ये इमेज दिख रहा है सबको? यस ठीक सर, है, ये जो दिख रहा है, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है ट्री लाइक स्ट्रक्चर। शाखाएं जो है पेड़ की, जो शाखाएं जैसे निकली हुई, ये क्या है? बता सकता है कोई क्या है ये जो? सर ये ये एल्गोलाई, एल्गोलाई, गलत गलत। ये ब्रॉन्की हाँ, ये ब्रॉन्की जो अल्वोलाई है ब्रॉन्काइल किसके साथ कनेक्टेड रहता है? ऐसे से अंगूर के गुच्छे के समान रहता है अल्वोलाई। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ब्रोंचियोलिस है। ठीक है, ब्रोंची, ब्रोंचियोलिस, और फिर ये अल्वोलाई, ऐसे कनेक्टेड होता है। आपको ये इमेज को समझिए। यहाँ देखो, एल्वोलाई हो गया जो इस शाखाओं के साथ ये अंगूर के जैसा कनेक्टेड रहता है, जिससे हम लंग्स के माध्यम से वो एयर लेते हैं और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो होता है एल्वोलाई के माध्यम, जो एक अंगूर के जैसा स्ट्रक्चर रहता है उसका, एल्वोलाई का। ठीक है, और ये क्या हो गया? ब्रॉन्ची, जो शाखाएं होती है ना वो ब्रॉन्ची हो गया, और ब्रॉन्चस हो गया ये जो देखो, जैसे बेसिक स्टार्टिंग वाले, और ये ट्रैचिया हो गया। ये स्ट्रक्चर तो कल भी मैंने बताया था। अब ये आप मेन टॉपिक पे आते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज समझ लो। एक और मैंने क्या बताया था कि इसको दो भागों में बांटा गया है। इसका नाम बताइए। अपर वाला कल हमने बताया था, क्या बताया था? अपर ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये हमारे क्रॉनिक ब्रोंचेस होता है, और अपर वाले में क्या होता है? साइनोसाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना, ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो कल भी मैंने बोला था कि आपको बेसिक फंडामेंटल एनाटॉमी पता होनी चाहिए। समझ समझ के पढ़ेंगे आप, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, और ये ब्रोंच समझ गए? ब्रोंच ट्यूब्स होता है हमारा, इस तरह से शाखाएं होती है ट्यूब्स लाइक, और यहाँ पे एल्वोलाई सारे उस ट्यूब्स पे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रोंच ट्यूब्स। और आइटिस, इन्फ्लेमेशन, जिसको हम कहते हैं स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन हो जाना, तो किसमें? इस ट्यूब में,
इस ट्यूब में इसका नैरो हो जाना, ठीक है, ताकि जो हमारा एयर का जो पैसेज है क्या होगा, वो डिफिकल्ट ब्रेथ में डिफिकल्ट आना, ये जो पैसेज है हमारा ट्यूब है उसका नैरो हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, स्वेल हो जाना, इसी को कहते हैं ब्रोंकाइटिस। अब वो बेसिक फंडामेंटल आप समझ गया कि हाँ भाई क्या होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, कि ये जो ब्रोन है, ये ट्यूब्स हैं, ब्रोंचल जो ट्यूब्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसी को हम कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस। अब इसके कई पार्ट्स हैं कि ब्रोंचाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ ब्रोंचल ट्यूब्स, ये जो ट्यूब्स हैं उसमें क्या हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, विच कैरी एयर टू एंड फ्रॉम योर लंग्स, जो हम लंग से एयर को कैरी करते हैं एल्वोलाई के थ्रू और फिर वो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ब्रोंचस के थ्रू। ओके, पीपल हु हैव ब्रोंचाइटिस ऑफन कफ अप एंड थिकेंड म्यूकस विच कैन बी डिसकलर्ड, ब्रोंचाइटिस में आइदर एक्यूट और क्रॉनिक। देखो ये ब्रोंचाइटिस या तो वो क्रॉनिक हो सकता है, मतलब बहुत पुराना, जल्दी नहीं ठीक होगा, और या तो एक्यूट, मतलब कम समय के लिए। ये दो चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या होता है एक्यूट और क्या होता है क्रॉनिक। और जब आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को नोजी हो जाता है, तो वो एक म्यूकस बाहर निकलता है उसका, वो एक येलोइश निकल सकता है, ग्रीनिश हो सकता है, या डिसकलर्ड भी हो सकता है, वो थिकन रहता है, ठीक है। पीपल हु हैव ब्रोंचाइटिस वो क्या होगा, ऑफन कफ अप थिकेंड म्यूकस, वो कफ निकलेगा कैसा, एक थिक म्यूकस के समान श्लेष्मा निकलेगा, ठीक है, ये समझ में आया बेसिक चीज। ऑफन डेवलपिंग फ्रॉम ए कोड, आप देखो ये कैसे डेवलप होता है, मतलब ये क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस कैसे डेवलप होगा, कैसे आएगा, तो कोल्ड की वजह से हो सकता है, या फिर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन की वजह से हो सकता है, और एक्यूट ब्रोंचाइटिस इससे मोर सीरियस कंडीशन इज ए कॉन्स्टेंट इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंचियल ट्यूब्स, ऑफन ड्यू टू स्मोकिंग। और क्या होगा ये कि स्मोकिंग के वजह से, स्मोकिंग के कारण से इसमें और इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन हो जाएगा, इट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन, ठीक है, जो एक्यूट रहेगा वो क्रॉनिक हो जाएगा, ठीक है। ये किसके वजह से, स्मोक के वजह से या फिर कोई भी इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है, ठीक है, या कोल्ड के वजह से हो सकता है। एक्यूट ब्रोंचाइटिस आल्सो कॉल्ड अ चेस्ट कोल्ड, आपने ये बहुत वर्ड सुना होगा नॉर्मली आपके टू डे लाइफ में, चेस्ट कोल्ड हो गया है, चेस्ट कोल्ड हो गया, मतलब वही क्या है, एक्यूट ब्रोंचाइटिस को कहते हैं। यूजुअली इंप्रूव्स विद इन अ वीक टू 10 डेज, और ये कैसे इंप्रूव हो जाता है, मतलब 1 सप्ताह से 10 दिन के बीच में ही ये चीजें ठीक हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है विदाउट लास्टिंग इफेक्ट, बहुत लंबा नहीं जाता। एक्यूट क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है और जल्दी ठीक भी हो जाता है, और जो तब कफ में लाइक अ फॉर अ वीक्स, और ये थोड़ा सा टाइम भी, मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा ये जो कफ है धीरे धीरे वो टाइम ले सकता है, फॉर वीक्स ले सकता है, 10 दिन 15 दिन भी जा सकता है, ठीक है। सिम्टम समझ, ये समझ में आया, पहले ये पॉइंट समझो कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या होता है क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस, ये बताओ पहले, क्लियर है। सर एक बार दोबारा बता दो। देखो एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं कि स्ट्रक्चर को समझिए, क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस जो होता है, जब आप लंग्स को समझना, उसमें मैंने एक बताया था ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रोंचेस होते हैं, ठीक है, और उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं क्या, ये एल्वोलाई, वो अंगूर के जैसे, गुच्छे के जैसे रहते हैं, और वो क्या करता है, एयर लेता है हमारे लंग से और ट्यूब्स के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। ओके, इसी ट्यूब्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाना, उसी को हम कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस, ठीक है। और ये किसके वजह से, कफ के वजह से होता है, कफ जैसे बढ़ गया, कोल्ड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पैसेज है, जैसे ये पाइप है, आप कफ के वजह से क्या होगा, ये नैरो हो जाएगा, तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगा,
ठीक है, कफ बहुत आएगा, खांसी बहुत होगी, समझ गए? क्लियर हुआ प्रियंका जी? यही चीजें बता। और यस ये सर, और बढ़ सकता है, किसकी वजह से? स्मोकिंग की वजह से बढ़ सकता है, अगर इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आ गया उसके वजह से भी बढ़ सकता है। और इसका दूसरा नाम चेस्ट कोल्ड भी है। और ये अगर एक्यूट है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, है 10 दिनों में ठीक हो जाएगा। क्लियर है? अब आता है यस सर, सिम्टम्स, कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। तो फॉर आइदर एक्यूट ब्रोंचाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस, दोनों के लिए सिम्टम्स क्या होगा? कफ आएगा, खांसी बहुत होगा, प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस या सेप्टम। ये सेप्टम क्या होता है? एक क्या बोल सकते हैं, म्यूकस के वजह से ये क्या बोलते हैं जो अच्छा, कोई बताओ सिस्टम क्या होता है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। थूक जो होता है ना, जब आप देखते हो म्यूकस के रूप में, जब आपके और बबलगम, सलाइवा सही वर्ड है बबलगम, ठीक है, जैसे आप देखो मुख में जैसे आता है म्यूकस आ गया, ठीक तो हम मुख से बाहर जो थूक फेंकते हैं बबल गम्स, तो वो बनना शुरू हो जाएगा। विच कैन बी क्लियर व्हाइट, व्हाइट आप देखते होगे नॉर्मली, वाइट बहुत लोग को पे आता है ये थोड़ी चीजें, आती। खिखार जिसको हम कहते हैं अपने उसमें, व्हाइट येलोस होगा, ग्रे ग्रीन ये कलर में आ सकता है। इट मे बी वॉइस ब्रेक हो रही है ब्लड, आपकी। और ये ब्लड के साथ भी आ सकता है। अगर ज्यादा आप खांसी करोगे तो ब्लीडिंग भी थोड़ी सी उसके साथ आएगा। वॉइस ब्रेक हो रही है। ये हो गया, क्या कह रहे हो? भैया आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है भैया बहुत। कुछ पूछ रहे हैं क्या? लास्ट में पूछ लो। फैटिस होगा, थकान हो जाएगा, सिल्वर फीवर, सर कुछ स्लाइट समझ इरेशन, में नहीं आ रहा, बट यू वॉइस माइट ब्रेक हैव हो रही है आपकी बोन्स। बहुत ज्यादा। एक मिनट पेशेंस रखो, हो जाएगा। एक मिनट, नेटवर्क चेंज कर रहा हूं मैं, वेट। हॉटस्पॉट आवाज आ रहा है अभी? अभी तो आ रही है भैया। हेलो, हाँ जी भैया आ रही है। हाँ तो जी सर, ठीक, आवाज आ रही है अभी। हाँ बता दीजिए। ठीक है, तो मैं ये क्या कह रहा था, सिम्टम्स में फिर से बता दे रहा हूँ कि सिम्टम्स क्या होगा। तो कफ आएगा, प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस या स्पटम, वो हम जो बबल गम्स कहते हैं ना, वो आएगा, बनेगा, मुख से निकलेगा, उसका कलर या तो व्हाइट हो सकता है, येलो, ग्रे, ग्रीन, कुछ भी हो सकता है। और इट मे बी स्टिक विथ ब्लड, और ब्लडिंग ब्लीडिंग ब्लड के साथ भी आ सकता है, खून के साथ भी आ सकता है। फैटिक्स होगा, थकान हो जाएगा, स्लाइट फीवर एंड चिल्स, मतलब बुखार और मतलब ठंडा भी लगेगा इस टाइम पे। चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, भारी चेस्ट हैवीनेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ब्रोंचिस का है, चेस्ट रीजन में ही है, तो चेस्ट का भारीपन हो जाना, डिस्कम्फर्ट होना,
इफ यू हैव एक्यूट वंस यू माइट हैव कोल्ड सिम्टम्स आएगा सच एज माइल्ड हेडेक, हेडेक भी होगा है ना, सर दर्द, और बॉडी बॉडी में पेन आएगा, विच लेस सिम्टम्स यूजुअली इम्प्रूव, और ये जल्दी इम्प्रूव हो जाए, जल्दी ठीक हो जाता है ना। अब आता है फोर्थ नंबर इज अस्थमा। अस्थमा को हम ब्रोंचियल अस्थमा भी कहते हैं, इट ऑल्सो नोन एज द ब्रोंचियल अस्थमा। अस्थमा इज एन कंडीशन इन विच पर्सन एयर वेज बिकम इनफ्लेट। देखो अस्थमा क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं, सांस फूलना एक सिम्टम है, सांस का फूल जाना, पता है ना अस्थमा के बारे में। आप सीढ़ी चढ़ते हो, आपकी सांसें तेज हो जाएगी, सांस फूलने लग जाओगे, जल्दी थक जाओगे, ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो क्या क्या होता है इसमें, जो एयरवेज है वो क्या इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, और पैसेज जो है वो क्या होगा, ब्रोंशियल जो हम बता रहे हैं जो ट्यूब है वो क्या, वो भी नैरो हो जाएगा। इट्स वेरी सिमिलर टू क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस, इट्स वेरी सिमिलर टू स्वेल एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस विच मेक्स डिफिकल्ट टू ब्रेथ। ओके, एक्स्ट्रा म्यूकस निकलेगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, फेस पे भी स्वेलिंग आ जाता है, और पैसेज क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, जिसके वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा। जब आप श्वास छोड़ोगे, ब्रेथ आउट करोगे, तो विसिल साउंड जैसे सीटी बजती है ना, उस तरह की आवाजें आएगी। अस्थमा कैन बी माइनर और इट कैन बी इंटरफेयर विथ डेली एक्टिविटीज। देखो अस्थमा ये बहुत माइनर भी हो सकता है, और ये आपके डे टू डे लाइफ को भी अफेक्ट कर सकता है, ऑब्वियसली करता ही है। इन सम केसेस इट मे लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग अटैक। कई बार अस्थमा अटैक भी देखने को मिलता है, अस्थमा अटैक भी आता रहता है। अस्थमा कांट बी क्यूर्ड, अब देखो ये बहुत गलत हमारे समाज में है कि अस्थमा को हम ठीक कर देंगे। अस्थमा एक्चुअली इट कांट बी क्यूर्ड, ये ठीक नहीं हो सकता, हाँ, बट इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। ये एक बार ठीक हो जाए, लगेगा कि ठीक हो गया, लेकिन फिर वो क्या होता है, रिकरिंग होता है, वापस से वो आ जाएगा किसी न किसी एलर्जन के वजह से या किसी न किसी वजह से, इन्वायरमेंट के वजह से। इट इज ए क्रॉनिक एंड रिकरिंग कंडीशन, इट हैज ए टेंडेंसी टू कीप अपीयरिंग योर इवन टाइम, कभी भी साल में कभी भी आप ये इस तरह के अस्थमा अटैक हो या अस्थमा के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा, किसी भी टाइम हो सकता है साल में। ये क्लियर है अस्थमा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये इट्स अ वेरी सिमिलर टू क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस। कॉजेस ऑफ अस्थमा, अस्थमा के कारण क्या है, अस्थमा कैन बी ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से हो सकता है, एंड इनहेरिटेड फैक्टर। आप ये क्या है, हेरिडेटरी भी होता है, इन हेरिडेटरी की वजह से, अगर आपके दादा परदादा या फिर एक होता है कि हमारे मैटरनल के थ्रू भी आता है, मदर के फादर मदर के थ्रू भी आ सकता है, मदर में है तो, एक होता है पेरेंटल मतलब आपके पिताजी या दादाजी के थ्रू भी आ सकता है, मैटरनल या पेरेंटल, ठीक है, इस तरह से भी आता है हेरिडेटेड। एक्सपोजर टू द वेरियस इरिटेंट्स एंड सब्सटेंस दैट ट्रिगर एलर्जीज कैन ट्रिगर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। किसी भी कारण से ये एक्सपोज हो सकता है, मैंने आपको क्या बताया कि साल में ये कभी भी आ सकता है, किसी को भी हो सकता है ये चीजें किसी भी टाइम पे। तो ये कब एक्सपोज होगा, तो वेरियस इरिटेंट्स कोई भी बाहरी इन्वायरमेंट के वजह से, या आप जैसे मान लेते हैं कोई सीढ़ी ज्यादा चढ़ रहा है तो उस वक्त भी ये आ सकता है अस्थमा के अटैक, ठीक है, जिनको प्रॉब्लम है उसके बारे में कह रहा हूं, ठीक है। ये बेसिक सिम्टम्स, अस्थमा ट्रिगर्स आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड कैन इंक्लूड, अब ये हर के लिए अलग अलग, ये जनरलाइज नहीं कि सबको एक ही जैसा होगा, ये हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। एयरबोन एलर्जन सच एज पॉलन, डस्ट माइट्स, पेट डेंगर्स, उसमें भी मैंने आपको बताया था एलर्जिक राइनाइटिस में, सेम चीज यहाँ पे भी है,
इस वजह से भी अस्थमा हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, सच एज कॉमन कोल्ड। फिजिकल एक्टिविटीज भी कारण एक है, एक्सेसिव अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं देन ये भी अस्थमा के अटैक्स आ सकते हैं। कोल्ड एयर की वजह से भी हो सकता है, ठंडी हवाओं की वजह से भी ये चीजें ट्रिगर कर सकता है। एयर पोल्यूटेंट्स, इरिटेंट्स, केमिकल फ्रेग्रेंस, गैसेस एंड डस्ट, जैसे मतलब बहुत लोगों को फूलों की खुशबू से भी दिक्कत आती है, या फिर घर में जो पेंट होता है या फर्नीचर का काम होता है तो उसके स्मेल से भी वो चीजें क्या होगा, ट्रिगर कर सकता है अस्थमा का। स्ट्रॉन्ग इमोशन स्ट्रेस, स्ट्रेस जिसको है उसको भी अस्थमा का हो सकता है, ट्रिगर कर जाएगा। स्ट्रॉन्ग इमोशंस की वजह से भी हो सकता है, कोई भी इमोशंस, ठीक है, चाहे वो एंगर हो या जो ऐसा चीज जो ट्रिगर कर दे आपके मेंटल पे बहुत इफेक्ट डाले, ऐसे इमोशंस, ठीक है। तो ये बेसिक जो है हमारा कारण है अस्थमा का, अस्थमा के ट्रिगर्स होने का। सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, अब क्या क्या होगा, क्या क्या लक्षण दिखने को मिलेगा इंसान में कि अस्थमा के, तो क्या होगा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ बहुत छोटा हो जाएगा, जल्दी जल्दी सांस वो लेता रहता है, हांफते रहता है, शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाएगा। चेस्ट टाइटनेस और पेन, चेस्ट पेन हो सकता है ना। वीजिंग वेन एक्सहेलिंग, जब आप श्वास छोड़ोगे तो वीजिंग हो सकता है, सीटी का बजना ना, आवाजें आएगी, विच इज कॉमन साइन ऑफ अस्थमा इन चिल्ड्रन, ये बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है। ट्रबल स्लीपिंग कॉज्ड बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जब ब्रेथ छोटा हो जाएगा तो सोने की समस्या भी आएगी, कफिंग होगा है ना, खांसी और वीजिंग जो बता। नसल डिस्चार्ज, जो हमारे नाक से नाक का बहना होना, नाक का बहना, ये सारे सिम्टम्स हैं। फीवर का भी होना, जब इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है, किसमें, ब्रोंचल्स में, तो उस वक्त भी फीवर आ सकता है। आप क्या प्रिकॉशंस लेंगे अगर किसी को अस्थमा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आसपास हो वो आपके किसी जानने वाले में हो तो ये चीजें ध्यान रखनी, आप उसको बता सकते हैं कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है अस्थमा में। तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज में भी आपको ध्यान रखना है कि हमें किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए एंड प्रॉपर डाइट, वो मैं अभी योगिक ट्रीटमेंट बताऊंगा, ठीक है। देखा, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, अच्छी नींद लेनी है, स्टे इन एनवायरमेंट विद क्लीन एयर, जहां पे स्वच्छ हवा हो वहां उस जगह पे हमें रहना है, ये नहीं कि बहुत धूल वाले एरिया में हमें रहना, जहां पे बहुत गाड़ियों की आवाज, धूल हो, उससे भी ये अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। अवॉइड स्मोकिंग, ये तो बहुत खतरनाक है, स्मोकिंग नहीं करना है। यूज मास्क इन पॉल्यूटेड एनवायरमेंट, आप देख लो जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए ये तो बहुत ज्यादा ऐसे सिम्टम्स आपको दिल्ली में दिख जाएंगे अस्थमा के, ब्रीदिंग से रिलेटेड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो बहुत फायदे है, क्योंकि क्या है वहां का एयर क्या है, बहुत पॉल्यूटेड है, इसलिए वहां कहते हैं कि वहां मास्क यूज करना चाहिए। स्टे इन वार्म एटमोसफेयर, जहां पे कोल्ड हो जाएगा सर्दी, तो उनको ज्यादा ये अटैक करता है अस्थमा, कोल्ड से बहुत ज्यादा लगाव है अस्थमा को, ठीक है, तो उनको एक वार्म एटमोसफेयर में रहना चाहिए। जब सर्दी हो तो उसमें प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना चाहिए उनको, नहीं तो अस्थमा के ट्रिगर होने की संभावना और बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रॉन्ग स्मेल, बहुत लोगों को ना परफ्यूम से, ठीक है, इत्र से भी प्रॉब्लम होती है, तो उससे भी दूर रखना है, रहना है। अगर कोई दूर भी रहता है, पास में नहीं है, दूर भी रहता है, तो उसको उसका भी स्मेल उसको फील होता है। स्टे अवे फ्रॉम एलर्जिक सब्सटेंसेस, जो चीजें आपको एलर्जी करता है, कोई भी सब्सटेंसेस, ठीक है, उससे आपको दूर रहना है। डू पीएफटी फॉर लंग्स, अच्छा कोई बता सकता है पीएफटी का मतलब क्या होता है, एनीबडी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएफटी, नहीं पता, ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये जब भी इस तरह के डिसऑर्डर होते हैं ना, तो हम कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे,
पल्मोनरी डिपार्टमेंट में हमें जाना होता है, वहां उस चैप्टर से सिखाते हैं। कौन से डिपार्टमेंट में जाना है? पल्मोनरी में, वही देखते हैं ये। और वही वो लिखते हैं पीएफटी टेस्ट, जिसको इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है ना, अस्थमा हो या कोई भी, यहाँ पे जो भी टेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए नजर, तो उन ये टेस्ट होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट फॉर लंग्स के लिए, ठीक है। डू हार्ट चेकअप ऑल्सो, और हार्ट का भी चेकअप करते हैं अपन, हार्ट रेट कैसा, हार्ट का पूरा, ठीक है, समझ में आ गया ना क्या क्या होता है। अब आता है ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट। भाई एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? एक तो है कि ब्रॉन्ची आइडियल ब्रॉन्ची ऑडिलेटर होता है, इनहेलर और नेबुलाइजर के जैसा होता है ये, मतलब इसके बाद स्टेरॉइड ले सकते, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। एक जैसे कि स्टेरॉइड, कॉर्टिको स्टेरॉइड्स होते हैं जनरली देते हैं, बहुत ही फेमस है, ऑन कॉर्टिको स्टेरॉइड्स बोलते हैं, इनहेल्ड कॉर्टिको स्टेरॉइड्स आईसीएस जिसको कहते हैं, ठीक है। ये मेडिसिन जनरली डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं अस्थमा वालों को, आईसीएस इनहेल्ड कॉर्टिको स्टेरॉइड्स, ठीक है। ये होता है एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, एज पर द आयुर्वेदा अस्थमा इज नोन एज टू मा का स्वासा, ये वर्ड मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं पता है, ये चीज मैं देखती थी, आप सर्च करके देख लेना, which is vat kaph do disease that is called by the vat and kaph dosh। आप देखो ना, जैसे आयुर्वेद की दृष्टिकोण से भी समझेंगे तो अस्थमा में क्या होता है, वात का भी बढ़ जाना और कफ दोष, ये दोष होते हैं, वात और कफ प्रकोपित हो जाता है इसमें, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या देते हैं? स्वेदन ऑयल का मसाज को हम कहते हैं स्वेदन, वमन कुंजल, ठीक है, और विरेचन, विरेचन जो वस्ती से समझते हैं, औषधि के माध्यम से करते, ठीक है। ऑल द अबव ट्रीटमेंट विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल्स, ये कॉमन नहीं है, हर एक व्यक्ति को देखते हुए उसका सिम्टम्स को समझते हुए इस तरह के प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, ये कॉमन नहीं है कि अभी मैंने पढ़ाया तो ये सब पे लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सबके अलग अलग सिम्टम्स हो सकता है, सबका अलग अलग हिस्ट्री हो सकता है, उसके अनुसार से हम ये ट्रीटमेंट देते हैं इंडिविजुअल के अनुसार से, ओके। अब यौगिक थेरेपी, पहले ये बताइए अभी जो भी हमने पढ़ाया वो समझ में आ गया है, फिर हम यौगिक थेरेपी पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है। यौगिक थेरेपी क्या होता है, किसका? एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, सिनसाइटिस ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, चारों के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का ये यौगिक थेरेपी है, ट्रीटमेंट है। क्या क्या प्रैक्टिस नोट्स है कि इच पर्सन शुड प्रैक्टिस द फ्लोइंग शुद्धि क्रिया आसना, ये जो भी चीज आप बताया जाएगा जैसे शुद्धि क्रिया आसन मुद्रा प्राणायाम, ठीक है, बाय कंसल्टिंग द एज फैक्टर एंड पर्सनल कैपेसिटी, सामने वालों को एज को देखते हुए, अगर कोई बच्चा है तो उसका उसको अलग तरीके से हम सिखाएंगे बताएंगे, अगर कोई जवान है तो उसको अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा, अगर कोई बूढ़ा है तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट किया जाए, उसके एज को कंसीडर करके किया जाता है और उसकी कैपेसिटी को भी ध्यान में रखकर, उसकी क्षमता कितना है। आसन कर रहे हैं, होल्ड हम करवा दिए 25 सेकेंड 30 सेकेंड और वो 5 सेकेंड भी होल्ड करने के लिए कैपेबल नहीं है तो फिर उसको नहीं कराएंगे, तो ये चीजें ध्यान में रखना पड़ता है इंडिविजुअल्स के अनुसार। ऑल द प्रैक्टिस शुड बी स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस अंडर द गाइडेंस ऑफ योगा एक्सपर्ट और थेरेपिस्ट, ऐसे ही किसी से झोला छाप इंस्ट्रक्टर से नहीं सीख लेना है, प्रॉपर एक वेल ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर के देखरेख में ही सीखना चाहिए। जब थेरेपेटिक फिटनेस वाला तो चलो ठीक है, लेकिन थेरेपेटिक जो योगा होता है वो एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में ही सीखना, ऐसे किसी से मत सीख लेना। ऑल द फ्लोइंग योगिक प्रैक्टिसेस आर वेरी यूजफुल इन एलर्जिक राइनाइटिस एज वेल एज अस्थमा, वेरियस अदर फैक्टर्स लाइक एज, फिजिकल, मेंटल कंडीशन, इट शुड बी ऑब्जर्व एंड टेकन अदर बिफोर द स्टार्ट। पहले हम उसका काउंसलिंग क्यों करते हैं? सबसे पहले अगर आपके पास कोई पेशेंट आता तो आप क्या करोगे, उसका डायरेक्ट इलाज करने लग जाओगे कि काउंसलिंग करोगे, उससे पूछोगे
उसको जानोगे, उसके हिस्ट्री को जानोगे, क्यों हुआ, क्या सिम्टम्स है, रीजन क्या है, वो सारा, उसका फिजिकल कंडीशंस क्या है, मेंटल कंडीशंस क्या है, उसका एज क्या है, ये सारा चीज हम पहले पूछते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उसके ट्रीटमेंट देने से पहले, उसको प्रैक्टिस कराने से पहले। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एज योगा इंस्ट्रक्टर। अब शुद्धि क्रिया कि भाई हम शुद्धि क्रिया कौन कौन से, आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं, मुद्रा का, शुद्धि क्रिया, आसन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, यम नियम, ये सारे चीज हम ट्रीटमेंट देते हैं, उसके लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। शुद्धि क्रिया में क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, ये चारों के लिए कॉमन है। नेति, नेति में कौन सा, जल नेति और सूत्र नेति, या रबर नेति भी करा सकते हो उसके कंडीशंस को देखकर, अगर वो कैपेबल नहीं है सूत्र नेति के लिए तो हम रबर नेति कराते हैं। वमन बेस्ट फॉर अस्थमेटिक के लिए, वमन बहुत ही अच्छा है। कपाल रंध्र धौती, कपाल रंध्र धौती आप सबको पता होगा कैसे करते कपाल रंध्र, काजल जी बताइए कपाल रंध्र कैसे करते हैं। काजल भूल गए, जी सर। नहीं सर, भूल गए, अपने हाथों में पानी दे करके जो जी सर है उस पे पानी डालना। थपकी मारते ना ऐसे, अपने कपाल के ऊपर थपकी लगाना, फिंगर्स को ऐसे करके थपकी देते हैं पानी से या फिर ऑयल से भी, उसको कहते हैं कपाल रंध्र धोती, ठीक है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कोल्ड एंड कफ, दंड धोती आपने देखा होगा, एक कैथेटर होता है पाइप जैसा, और उसको हम मुख पे डालते हैं, और जो भी हमारा पेट के अंदर जो पित्त वित्त जो बना हुआ है, कफ है, कफ या पित्त, वो क्या होता है बाहर निकल जाता है उस पाइप के माध्यम से, उस कैथेटर के माध्यम से, उसको दंत धोती कर। ये ओनली फॉर एडल्ट्स के लिए है, बच्चों को नहीं कराना चाहिए, और ये बहुत ही एडवांस है, इतना इजी नहीं होता। ये क्या करता है, म्यूकस को रिमूव करता है। वस्त्र धोती, ये भी एडल्ट को करना होता है, मुख से ही हम। अच्छा, वस्त्र धोती की लंबाई क्या हमने पढ़ी थी, प्रियंका कोटनाला जी बताइए क्या पढ़ी थी वस्त्र सर धोती की लंबाई, चार उंगल चौड़ा और 15 हाथ लंबा होता है इसका चार वस्त्र अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा वस्त्र धोती की चाहिए। लंबा। ये भी एडल्ट्स के लिए है, उसको हम क्या करते हैं, धोती को एक मखमल की जैसा रहता है धोती सॉफ्ट, उसको हम पानी के माध्यम से धीरे धीरे स्टमक में डालते हैं। फिर कपाल भाती, रिमूव द कफ दोष, कपाल भाती, तीन प्रकार के कपाल भाती मैंने आप पढ़ाया था, कौन कौन सा कपाल भाती पढ़ाया था, संतोषी वर्मा जी बताइए। वात क्रम, व्युत्क्रम और शीत क्रम। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ये कपाल भाती का भी अभ्यास करना है। ऑल द एबव शुद्धि क्रिया आर हेल्पफुल टू रिमूव द कफ डिसऑर्डर विच इज मेजर इफेक्ट इन अस्थमा एंड एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है। शुद्धि क्रिया जो है खासकर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में तो है ही, खासकर अस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस में बहुत ही हेल्प करता है। अब आते हैं आसनों पे, आसन क्या होना चाहिए। आसना गिव्स रिलीफ फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम दैट लीड्स टू एलर्जिक राइनाइटिस एंड अस्थमा, द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आसन आर एक्सीलेंट फॉर। आसन समझिए, स्टैंडिंग के आसन समझिए कि भाई हम कौन कौन सा आसन करना है। ताड़ासन कर सकते हैं, हस्तान आसन कर सकते हैं, संचरण आसन कर सकते हैं जिसको हॉर्स राइडिंग पोस्चर कहते हैं, अर्ध चंद्रासन कर सकते हैं, वीरभद्रासन कर सकते हैं, ये स्टैंडिंग का पोस्चर हो गया। इन्वर्टेड पोस्चर जो उल्टा रिवर्स पोज करते हैं, जैसे विपरीत करनी, शीर्षासन, शोल्डर स्टैंड, वो सारे इन्वर्टेड पोज कहलाते हैं। या शीर्षासन स्पेशली बोला गया है इन्वर्टेड पोज में करना, ये इसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में करना है। सिटिंग वाले आसन बैठ के, तो गौमुख आसन हो गया, पद्मासन हो गया, प्रवृत्त जानु शिरासन। प्रवृत्त का मतलब क्या होता है, ट्विस्ट करना है ना, उल्टा ट्विस्ट करके करना, जैसे प्रवृत्त त्रिकोण आसन होता है ना, राइट को लेफ्ट साइड ले जाना, इसी तरह से यहाँ पे प्रवृत्त जानु शिरासन ट्विस्टिंग के साथ करना। सुपाइन आसन जो पीठ के बल लेट के करते हैं, तो मत्स्य आसन हो गया, ग्रीस पोज हो गया,
सर्वानासन हो गया। ये आसन तो ऑलरेडी आप सबको पता होगा, मत्स्यासन, जो पेट लेकर चेस्ट को लिफ्ट करते हैं, गर्दन को फोल्ड करते हैं। इसमें पद्मासन भी लगा सकते हो, पैर को सीधा भी कर सकते हो। ब्रीज पोज, सेतु बंधासन होता है, घुटने मोड़ कर हिप को ऊपर उठाते हैं। सर्वानासन होता है शोल्डर स्टैंड, जो हम अपने पूरे बॉडी को ऊपर उठाते हैं शोल्डर के पे एक सपोर्ट देकर। प्रोन पोजिशन, पेट के बल लेटने वाले आसन, ठीक है, पेट के बल प्रोन पोजीशन। तब मकर आसन हो गया, पेट के बल लेट जाइए, अपने टोज को बाहर, हील्स को इनसाइड करना और पैरों में गैप करके थोड़ी देर रिलैक्स, रिलैक्सेशन पोज। भुजंगासन हो गया, कोबरा पोज, धनुरासन, पीछे से एंकल ज्वाइंट पकड़ना, बॉडी को लिफ्ट करना ऊपर। शशांक भुजंगासन, शशांक और भुजंगासन ये मूवेबल है, शशांक है भुजंगासन, ये मूवेबल पोज है कि पहले शशांक गए, फिर भुजंगासन गए, फिर शशांक गए, भुजंगासन गए, इस तरह के पोस्चर। लीनिंग पोजीशन, घुटने के बल वाले आसन, तो कैमल पोस्चर है ना, उष्ट्रासन, सुप्त वज्रासन, जो घुटने को मोड़ा हमने पीछे की तरफ लेट गए, सुप्त वज्रासन। मातृआसन, कैटन काउ पोज। और सेवेंथ है रिलैक्सेशन आसन, रिलैक्स में क्या करते हैं, शवासन, इधर रिलैक्सेशन आसन है, मकर आसन भी है, ऐसा नहीं है। और आठवां सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास आप कर सकते हैं। ये तो आसनों की बात थी, अब आते हैं प्राणायाम। प्राणायाम कौन कौन सा कर सकते हैं आप, नाड़ी शोधन को भी इसमें प्राणायाम में ही ऐड करा है ना, शुद्धि है ये नाड़ियों की, नाड़ी शोधन। फिर भ्रस्तिका करना, फोर्सफुली इनहेलेशन एक्सहेलेशन, भ्रस्तिका। उज्जायी, उज्जायी क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल कौन से नोस्टल से करते हैं, याद है ना, भूल गया, लेफ्ट नोस्टल से एक्सहेल करते हैं, बहुत बढ़िया। और हिसिंग साउंड करते हैं ना, गले को कॉन्ट्रैक्ट करके करते हैं। सूर्य भेदन, सूर्य भेदन का अभ्यास कैसे करते हैं, कंटिन्यूअसली इनहेलेशन फ्रॉम राइट नोस्टल, होल्ड एंड देन एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्टल, दिस सूर्य भेदन। चंद्र भेदन इसका जस्ट रिवर्स होता है, लेफ्ट से लेना राइट छोड़ना, लेफ्ट से लेना राइट छोड़ना, सूर्य भेदन में राइट से लेना लेफ्ट छोड़ना। एंड द लास्ट वन इज मेडिटेशन एंड योग निद्रा का अभ्यास आप कर सकते हैं। कंट्रा इंडिकेशन क्या है कि किनको नहीं करना चाहिए कंट्रा, कि भाई जो सफरिंग फ्रॉम सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, एबव प्रैक्टिस शुड बी परफॉर्म्ड व्हेन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सिम्टम एलर्जिक राइनाइटिस एंड अस्थमा, प्रैक्टिस शुड बी डन अंडर द एक्सपर्ट एंड योगा थेरेपिस्ट। ठीक है, देखो ये कंट्रा इंडिकेशन कि आप किसके अंडर प्रैक्टिस करना है, तो सबसे पहले एक्सपर्ट के अंदर प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। और जो ये सफरिंग फ्रॉम राइनाइटिस और अस्थमा से सफर कर रहे हैं, ठीक है, उनको ये जो कि हमने अभी बताया ये सब प्रैक्टिस करना है। तो यौगिक मैनेजमेंट आपने समझ लिया, किसी को इसमें पूछना है यौगिक मैनेजमेंट में क्या होगा, दिस ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये हमने रेफरेंस कहाँ से लिया था कि स्वामी सत्यानंद की बुक है, योग योगा क्या है और ग्रंथ संहिता है योग पर, ये कुछ हमने रेफरेंस वहां से कुछ कुछ चीजें। सो थैंक यू सो मच। अब किसी को कुछ पूछना है? जी सर। हेलो सर। हाँ जी सर, जिनको अस्थमा हुआ है उनको ये सब करानी है सर? हाँ, जिनको अस्थमा है उनको, उनके लिए तो था ये योगिक मैनेजमेंट, उनके लिए था, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए ही था सारा। जी सर। और गारंटेड ठीक हो जाते हैं मैम क्या? गारंटी है कि ये ठीक हो जाते हैं ब्रोंकाइटिस इन सब चीजों के प्रैक्टिस करने से? ठीक है, तो आज जो है ये हमारा लेक्चर हो गया है, इसको अच्छे से पूरा पढ़ के आइएगा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सर एक क्वेश्चन था सर, आपने प्राणायाम के अंदर बोला है कि सूर्य भेदन करवा सकते हैं।